कैटालाइजर मॉडर्न स्कूल धोरण त्रण विषय गणित अपने पाठ्यपुस्तक अने स्वाध्याय पोथी में चैप्टर नंबर एक थी चार सुधी जोई गया। हवे आपणे चैप्टर नंबर एक अने बे नुं पुनरावर्तन जोईशुं। तो तमारे बधाए 100 पेजनी एक अलग थी नोट बनावानी छे के जेमां तमारे पुनरावर्तन लखवानुं छे। जो अलग थी नोट न बनावी होय तो जे तमारे घरकामनी नोटबुक छे HW नी नोटबुक छे तेमां पण तमे लखी शको छो। पण ऊपर व्यवस्थित रीते चेप्टरनुं नाम जेवी रीतना लखावुं तेवी ज रीतना लखवानुं छे। तो बधाए पोतपोतानी नोटबुकना हास्यमां ऊपर मोटा अक्षरे लखवानुं रहेशे गणित ने बाजूमां लखवानुं छे पुनरावर्तन। गणित पुनरावर्तन एवी रीतना लखवानुं छे अने हास्यामां लखाई जाय एटले तमारी पहली लीटीमां लखवानुं छे मोटा अक्षरे चेप्टर एक अने बे। आवी रीतना लखावुं जोईए। बधाए व्यवस्थित रीते लखवानुं छे। हवे आपणे चेप्टर नंबर एक अने बे पुनरावर्तननी शरूआत करीए। तो तमारे हेडिंग आपवानुं छे प्रश्न नंबर एक। नीचेना चित्रोमां बिंदुवाड़ी लीटी जो सममिति दर्शावता बे भाग पाड़े तो चित्र नीचे खरू अने ना पाड़े तो खोटू करू। तो आपणे पुनरावर्तन लईए छीए एटले हूँ थोड़ी थोड़ी वस्तु तमने करावीश। એટલે જ્યારે પણ પેપર આવશે ત્યારે તમારે આ મુજબ પૂછાશે। તો આપણે જોઈએ તો બધાએ પેન્સિલથી જ ચિત્ર વ્યવસ્થિત રીતે સ્કેલ વડે દોરવાના છે। તો આપણે પહેલું ચિત્ર દોરશું નોટમાં ત્રિકોણ, અને ત્રિકોણ દોરાઈ જાય એટલે આવી રીતના ડોટ ડોટવાળી લાઈન દોરવાની। તો હવે તમે કહો કે આ ચિત્ર સમમિતિ દર્શાવે છે, તો કે હા, તો તેની નીચે ખરું। પછી બીજું ત્રિકોણ લઈશું આપણે, ને વચ્ચે લાઈન દર્શાવો અને કહો કે બે સરખા ભાગ પડે છે, તો કે હા પડે છે। પછી ત્રીજું ત્રિકોણ લઈશું અને વચ્ચે લાઈન દોરો અને કહો કે બે સરખા ભાગ પડે છે, તો કે ના બે સરખા ભાગ પડતા નથી। પછી આગળ લઈએ અને આવી રીતના વચ્ચે લાઈન કરો અને કહો બે સરખા ભાગ પડે છે, તો કે હા તો ખરું। એના પછી લઈએ ગોળ અને કહો બે સરખા ભાગ પડે છે, તો કે હા ખરું। એના પછી લઈએ વૃક્ષ અને કહો બે સરખા ભાગ પડે છે, તો કે ના। ફરીથી કહું છું, તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે, કોઈએ સ્વાધ્યાય પોથીમાં ગોતવાનું નથી કે ટીક નથી કરવાનું, તમારે શું કરવાનું છે નોટબુકમાં લખવાનું છે। હવે પછી આપણે લખશું પ્રશ્ન નંબર બે, કે સંખ્યાઓ શબ્દોમાં લખો, બરાબર। તો પ્રશ્ન એક બધાને લખાઈ ગયો છે, તો વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખી લેવાનું છે અને ચિત્ર પણ તમારે દોરવાના છે। હવે પછી આપણે લખશું પ્રશ્ન નંબર બે,
तो लखीए प्रश्न नंबर बे संख्याओ शब्दों में लखो तो हूँ तमने पांच पांच संख्या लखावीश तो आप लखशू तेमा नंबर ए तो पहला लखशू एक सौ वीस बधाए नोटबुक में एक लीटी छोड़ी ने एक लखवानू छे तो पहला शू छे एक तो एक सौ लखाय नहीं अने वीस तो के बगड़े मींडे वीस एक सौ वीस पछी लईशू आपणे एक सौ एकवीस तो सो पहला शू छे एक सो लखाय नहीं अने एकवीस एटले बगड़े एकड़े एकवीस एक सौ एकवीस पछी लईए त्रीजू बसो तो बसो लखता तो तमने आवड़े छे बगड़े अने बे शून्य पछी लईए एक सौ दस तो एक सौ दस केम लखाय तो के एक एक जीरो एक सौ दस पछी तो के एक सौ आठ एटले के एक जीरो आठ तो तमारे आवी रीतना लखवानू छे। हवे आपणे लईए प्रश्न नंबर त्रण संख्या अंको मा लखो तो लखे नंबर एक एक सौ पंदर तो एक सॉरी संख्या शब्द में लखवानी छे तो तेमा तो अहीं लखी नाखो संख्या अंको मा लखो। हवे लखशू आपणे संख्या शब्द में तो अने शू बचाशे तो एक सौ पंदर सुधारो कर नाखजो अहीं अंको में लखजो अने अहीं शब्द में लखजो। पछी बीजू तो आने शू बचाशे एक सौ पचास पछी तो के अने शू बचाशे एक सौ साठ साठ लखाय नहीं पछी आने बचाशे एक सौ पांच। हवे छे मणका गोळीना आधारे संख्या लखो तो प्रश्न नंबर चार मणका गोळीना आधारे संख्या लखो तो आपणे मणका गोळी पण दोरीशू बधाए व्यवस्थित रीते दोरवानी छे। अहीं लखीशू एक दस सौ तो आपणे गणीशू तो के पहेलामां केटली छे एक एक बे त्रण त्रण ने एक तो केटला आव्या एक सौ ने एकत्रीस। बधा मणका एक साथे गणीने लखी देवाना नथी एना पछी दरिए बीजी मणका गोळी सो दशक एकम तो गणीने लखशू आपणे तो एक बे त्रण चार तो चार एक बे तो बे अहीं कई न हो तो शू आवे जीरो तो आ आधारे तमारे मणका गोळी लखवानी छे। हवे पछी आपणे लखशू आगळनो प्रश्न तरत पछीनी संख्या लखो प्रश्न नंबर पांच
तरत पछीनी संख्या लखो। तो लखे पेलू 103, 103 पछी शू आवे तो 104। नंबर बे 149, तो 149 पछी शू आवे 150। नंबर त्रण 140, तो 140 पछी शू आवे 141। नंबर चार 154, तो 154 पछी शू आवे 155। प्रश्न नंबर 6, આગળની સંખ્યા લખો। તો લખીએ પેલું તો 130, તો 130 પહેલા શું આવે 129, પછી 191 પહેલા શું આવશે 190, 175 પહેલા શું આવે 174, પછી 186 પહેલા શું આવશે 185। હવે પછી આપણે લખશું વચ્ચેની સંખ્યા। પ્રશ્ન નંબર 7, વચ્ચેની સંખ્યા લખો। તો લખીએ પેલી 106, ખાલી જગ્યા 108, તો બંનેની વચ્ચે શું આવશે 107, પછી 117, ખાલી જગ્યા 119, તો બંનેની વચ્ચે શું આવશે 118, 171, ખાલી જગ્યા 173, તો 171 અને 173 ની વચ્ચે શું આવે 172, પછી 138, ખાલી જગ્યા 140, તો બંનેની વચ્ચે શું આવશે 139। તો સાથે સાત પ્રશ્ન તમે લખી લેજો, બે મિનિટ રહેવા દઉં છું। હવે આપણે જોઈશું આગળ, પ્રશ્ન નંબર 8 લખીશું। જ્યારે પણ 2 મિનિટનો ટાઈમ આપું ત્યારે વિડિયો સ્ટોપ કરીને તમારે લખી લેવાનું છે। હવે આપજો હેડિંગ પ્રશ્ન નંબર 7, 110 અને 1 નો ઉપયોગ કરી સંખ્યાનો વિસ્તાર કરું, બરાબર। તો એક નંબર છે 269,
बे नंबर 354, त्रण नंबर 620 ने चार नंबर 777। तो आपणे करीशुं संख्यानो विस्तार, बे छे तो क्या स्थान में आवे छे, सो, तो सो केटली वार आवशे, बे वार, एक वार सो, बे वार सो, पछी दस, तो के छ ना दशकना स्थाने छ, तो दस केटली वार आवे, छ वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, पांच वार, अने छ वार, पछी नौ एटले एकमना स्थाने नौ, तो एक केटली वार आवशे, नौ वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, पांच वार, छ वार, सात वार, आठ वार, अने नौ वार। तो तमारी जारे परीक्षा में पूछाय तो आ रीते तमारे गणतरी करवानी छे। हवे पछी छे 354, तो सोना स्थाने त्रण, तो सो केटली वार आवे, त्रण वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, दशकना स्थाने पांच, तो दस केटली वार आवशे, पांच वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, ने पांच वार, अने एकमना स्थाने केटला छे, चार, तो एक केटली वार आवे, चार वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, अने चार वार। पछी छे 620, तो सोना स्थाने केटला छे, छ, ने एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, पांच वार, अने छ वार। दशकना स्थाने केटला छे, बे, तो दस केटली वार आवे, बे वार, एक वार, अने बे वार, एकमना स्थाने शुं छे, जीरो, तो एनुं कंई थाय नहीं। हवे 777, तो सोना स्थाने केटला छे, सात, तो सो केटली वार लखवाना, सात वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, पांच वार, छ वार, सात वार। दशकना स्थाने पण केटला छे, सात, तो दस केटली वार आवे, सात वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, पांच वार, छ वार, अने सात वार। एकमना स्थाने केटला छे, सात, तो एक केटली वार आवे, सात वार, एक वार, बे वार, त्रण वार, चार वार, पांच वार, छ वार, अने सात वार। तो आ थयो तमारो प्रश्न नंबर सात, सॉरी प्रश्न नंबर सात नहीं परंतु प्रश्न नंबर आठ। तो व्यवस्थित सारा अक्षरे तमारे HW नी बुक में लखी लेवानू छे। हवे पछी आपणे नेक्स्ट पीरियड में चेप्टर नंबर 3 अने चेप्टर नंबर 4 नू पुनरावर्तन जोईशुं, सरवाळा अने बादबाकी। તો આજે લખાવેલા પુનરાવર્તનના પ્રશ્ન નંબર 1-8 તમારે ઘરકામની બુકમાં લખો, તો મેં જેવી રીતના લખાવ્યું છે ગણિત પુનરાવર્તન ચેપ્ટર નંબર 1 અને 2, તો તમારે તેવી જ રીતના લખવાનું છે। હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ચેપ્ટર નંબર 3 અને ચેપ્ટર નંબર 4 નું પુનરાવર્તન આપણે જોઈશું।